आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे प्रभु, जिस शरीर में हम रह रहे हैं, इस मकान में रह रहे हैं, ये मकान बूढ़ा हो चुका है। अब मुझे इसमें रहते हुए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप हमें नया मकान दे दो। भगवान कहते हैं इस मकान में गड़बड़ी क्या है, क्या दिक्कत आ रही है? तो जीव कहता है सुनो प्रभु, सब दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। क्या बिगड़ गए। अब शरीर में खिड़की के पेच कौन से हैं? जब बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं? दो रोशनदान जो है, ये हमारी आंखें जो है, ये आंखें हमारी रोशनदान का कार्य करती हैं। तो जीव आत्मा परमात्मा से कहती है कि प्रभु, बुढ़ापे में तो पेच भी खत्म हो गए, दांत भी गिरने लगे, आंखों से भी कम दिखाई देता है, पहरेदार इसका बीमार, जिस घर में हम रह रहे हैं वो व्यक्ति बीमार है। और सुनो, जो नीचे को लटको, अच्छा भीम शरीर के अंदर क्या है? जो हमारी रीढ़ की पीठ में जो हड्डी है, ये रीढ़ जिसे कहा जाता है, ये भीम का कार्य करती है। क्योंकि अगर ये रीढ़ ही टूट जाए तो पूरे शरीर में शक्ति नहीं रहती है, पूरा शरीर बेकार हो जाता है। तो कहता है जब वो भीम पीठ से चढ़ेगा, शक्ति नीचे को लटको, चलनी भूसी निकाले तारी सजमान आगर में डरोगे। जीव आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे प्रभु, शरीर के ऊपर बड़ा बुढ़ापा है, अब मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगता है। मेरे भैया,